Hello students, welcome to my YouTube channel Computer Speed. Dear students, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके. ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम असेंबलर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि असेंबलर क्या होता है. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेटर के बारे में बताया था. ओके, ट्रांसलेटर के अंतर्गत मैंने आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में बता दिया था कि इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग असेंबलर के बारे में बातचीत करेंगे कि असेंबलर क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं असेंबलर क्या कार्य करता है. सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, मैंने अभी भी आपको बताया था कि असेंबलर के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा गया है असेंबलर. असेंबलर क्या है स्टूडेंट्स? तो असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर. असेंबलर क्या है स्टूडेंट? एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है. ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर किसे कहते हैं? ट्रांसलेटर हम लोग अनुवादक को कहते हैं. ठीक है, अनुवादक का मतलब जो क्या करता हो, किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या करता हो, परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर कहते हैं. तो पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं यानी बदल देते हैं, और किसी भी बाइनरी भाषा को हाई लेवल भाषा में भी बदलने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है ना. ओके स्टूडेंट्स, आइए असेंबलर के बारे में देखें. तो असेंबलर के बारे में बताया कि एन असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर. देखो ध्यान से क्या लिखा गया है, कह रहा है कि जो असेंबलर होता है एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है. स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर है लेकिन असेंबलर क्या है? आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है. कह रहा है इसमें कि एन असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर. असेंबलर जो होता है एक ट्रांसलेटर होता है, यूज टू ए ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज. इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग? असेंबली भाषा को कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए, असेंबली भाषा को कन्वर्ट करने के लिए यानी बदलने के लिए, चेंज करने के लिए यानी उसका अनुवाद करने के लिए, इनटू मशीन लैंग्वेज. किसमें बदल देता है? असेंबली भाषा को मशीन लेवल भाषा में. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि असेंबली भाषा जो है स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे टाइप की भाषा है. मीन्स कहने का मतलब कि कंप्यूटर असेंबली भाषा को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, न तो किसी हाई लेवल भाषा को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है? ओनली अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज ना. ओके, क्या क्या समझता है कंप्यूटर? ओनली मशीन भाषा को यानी जीरो और वन यानी बाइनरी को ही क्या करता है कंप्यूटर समझ पाता है. सो स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को बताया है कि असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है? मशीन लेवल भाषा में बदल देता है. स्टूडेंट्स, आपको पता भी है कि भाषाएँ तीन प्रकार की हैं. ठीक है, हाई लेवल भाषा, लो लेवल भाषा और असेंबली लैंग्वेज. सो मैंने असेंबली लैंग्वेज के बारे में अभी अभी आपको बताया है कि असेंबली लैंग्वेज को कौन ट्रांसलेट करता है? असेंबलर करता है. और किस में बदलता है? मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, बट लाइक ए इंटरप्रेटर, कह रहा है कि मशीन भाषा को मशीन भाषा में क्या करता है? जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को बदल देता है. जैसे कि लाइक ए इंटरप्रेटर, जैसे कि इंटरप्रेटर क्या करता है? किसी भी हाई लेवल भाषा को क्या करता है? वो बाइनरी भाषा में बदल देता है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे लिखा गया है असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज इट्स इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कह रहा है कि असेंबली भाषा जो होती है स्टूडेंट्स वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है यानी कठिन होती है टू अंडरस्टैंड एज लो लेवल प्रोग्रामिंग्स. ठीक है, यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग से भी ज़्यादा क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है आपका क्या? आपका असेंबली भाषा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि असेंबलर क्या है. असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो किसी भी या जो असेंबली भाषा होती है उसको मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है. जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियोस में स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को बताया था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक प्रकार के क्या हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में और लो लेवल भाषा को हाई लेवल भाषा में कन्वर्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि असेंबलर क्या होता है.
ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।